जिला परिषद सभागार में निर्षा के नवनिर्मित दुकानों की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन वरीय अधिकारी के देखरेख में हो रहा है, जिसमें निर्षा क्षेत्र के इलाकों में जिला परिषद द्वारा बनाई गई कई दुकानों का आवंटन होना निर्धारित है। ऐसे में निर्षा से जिला परिषद कार्यालय पहुँचे हुए फुटपाथ दुकानदारों ने विरोध करते हुए बताया कि दुकानों का निर्माण फुटपाथ दुकानदारों को रोजगार देने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जिला परिषद की मनमानी रवैये के वजह से वर्तमान में उक्त दुकानों का लाखों रुपए में नीलामी हो रही है। ऐसे में गरीब फुटपाथ दुकानदार नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह लोग इसका घोर विरोध करते हुए मामले को लेकर न्यायालय की शरण में जाएंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मामला है निर्षा हटिया के 58 वो दुकान है, जिसका पैसा निर्षा के अगल बगल जो दुकान है, रहने वाले व्यवसायी हैं, वो 1989 में पैसा दिए हैं, 1990 में पैसा दिए हैं, 1992 में पैसा दिए हैं, 1995 में पैसा दिए हैं, 2012 में पैसा दिए हैं और 2020 में पैसा लिया गया है और सभी को टरकाया गया। आज 2020 जो 1904 बार जो पहले पैसा दे चुके हैं उन पर किसी प्रकार कोई नोटिस नहीं दिए हैं, ना उनको सूचना दिए हैं और ओपन डाक का प्रक्रिया फिर से 2020 में कर दिए हैं। जब प्रक्रिया डाक का था ही नहीं, था ही नहीं। हम लोग का मांग है कि वहाँ का जितने भी लोग 1989 से 2012 तक के लोग जो आवेदन दिए हैं, शुल्क दिए हैं 1000 फॉर्म का, 500 फॉर्म का और 10,000 बैंक ड्राफ्ट दिए हैं, उन लोगों को स्थानीय को प्राथमिकता देना चाहिए। ये लोग नहीं दे रहे हैं, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। मैं निर्षा हटिया के जितने भी लोग हैं सभी अगल बगल के फुटपाथ दुकानदार हैं, मैं जिला परिषद का अभी जो ओपन डाक है मैं इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और लीगल नोटिस भी इनको दिया गया है एक दो आदमी, अगर इनका भी नहीं मानेंगे तो हम लोग कोर्ट के द्वारा फिर भी केस करेंगे, इस पर धरना कर देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। कल हम लोग का आश्वासन दिया गया था जिला इंजीनियर के द्वारा, हम लोग कल विरोध कर रहे थे तो जिला अभियंता के जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट हैं वो हम लोग के आश्वासन दिए थे कि इस प्रक्रिया को रद्द किया जा रहा है, फिर भी दोबारा आज फिर पुनः ये लोग चालू कर दिए हैं। ये लोग के मनमानी है, किसी तरह पब्लिक को उल्लू सुधा करके बड़े लोगों को जिसके पास पैसा है, धन है, उसको सिर्फ सेटिंग करके 10 लाख 15 लाख में दुकान आवंटन करने की प्रक्रिया कर रही है सरकार, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो जिला का अभियंता रवैया है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। क्या स्थानीय को अधिकार देना होगा, उनको देना होगा। आज 10 साल 15 साल से लोग पैसा दिए हैं, उस पर किसी प्रकार कोई सूचना तक नहीं दिए हैं, उसका क्या करेंगे। 30 साल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीएन प्रसाद यादव हुआ, मैं कांग्रेस का प्रखंड निदेशक है, मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ कि मेरे अगल बगल में है, मेरी दुकान भी जहाँ है वहीं अगल बगल मेरा घर है और लोगों का समस्या के लेके हम यहाँ धरना पे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला के लेकर आप लोग आज विरोध कर रहे हैं? वो दुकान जिसका आवंटन हो रहा है आज, उस वो दुकान भम्माल पंचायत में पड़ता है और हम भम्माल पंचायत के पंचायत समिति के पति हैं। पंचायत समिति को खबर तक नहीं किया गया है, पंचायत राज अधिनियम के तहत ये प्रोटोकॉल के हिसाब से नियम बनता है कि पंचायत समिति को खबर किया जाना चाहिए था। और निरसा के छोटे छोटे दुकानदार को ये दुकान बनाकर देने का प्रावधान था सरकार का, ये करोड़पति लोगों का को दिया जा रहा है डाक करवा करके। 8 लाख 10 लाख जो सब्जी बेच रहे हैं, जो फुटपाथ में जूता चप्पल बेच रहे हैं, जो फुटपाथ में साड़ी कुर्ता बेच रहे हैं, वो 10 लाख रुपया कहाँ से देंगे। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और यहाँ ही नहीं हम कोर्ट तक जाएंगे और जमीनी स्थल पर भी हम लड़ाई लड़ेंगे। जमीनी स्थल पर। अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोलेश्री प्रसाद यादव हुआ। बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद।